हाय गाइस, बात करेंगे बैंक निफ्टी की। कल एक्सपायरी है, कल का क्या प्लान रहेगा? तो बैंक निफ्टी में आज गैप अप हुआ, और बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गैप अप नहीं था जितना बड़ा गैप अप निफ्टी के अंदर था। और क्या है, अब मान लो कल आज मार्केट अपने लोस पे क्लोज हुआ है। मान लो मार्केट कल गैप डाउन खुलता है यहाँ पर अराउंड 35,500, तो 35,500 के आसपास मैं प्राइस एक्शन देखने के बाद लॉन्ग बनाना प्रेफर करूँगा। ठीक है, रेजिस्टेंस है हमारे पास सिंपल से 36,000 की। और मान लो कल मार्केट फ्लैट खुलती है, तो कॉल ही बेचने साइड प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा वीक एरिया। अभी हमारे को यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ एक दो दिन तो बीतने चाहिए। मगर मान लो मार्केट गया, जैसे मार्केट हो सकता है खुले 35,700 के आसपास, ये भी लॉन्ग एरिया है। ठीक है, बट यहाँ पे आप स्ट्रैंगल डाल सकते हैं जब तक 36,000 होल्ड हो रहा है। तो 36,000 का होल्ड होना जैसे ही ख़त्म हुआ फिर गेम ख़त्म है, क्योंकि गैप डाउन खुल के अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई तो ऐसा दिन बनेगा। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है अगर 36,000 टूटेगा, जैसे इधर तोड़ के सीधा गैप अप ना, वैसे 36,000 तोड़ के अगर क्लोज हुआ तो गैप अप ही एक्सपेक्ट करूँगा। फिर मैं गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और ये प्लान है बैंक निफ्टी।